हेलो एवरीवन, आज का हमारा सवाल है द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेंटीमोलर सॉल्यूशन। सेंटीमोलर का मतलब होता है 1/100 मोलर। एक डेसी मोलर होता है, डेसी मोलर बोलते हैं 1/10 मोलर। तो फिलहाल हमें बोला जा रहा है सेंटीमोलर, तो सेंटीमोलर का मतलब है 1/100 मोलर। अच्छा, केसीएल सॉल्यूशन है और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इस पर कंडक्टिविटी दिया है। कंडक्टिविटी का मतलब कप्पा, के जो बोल लो ग्रीक लेटर में कप्पा बोलते हैं इसको। इसका वैल्यू दिया गया 0.0210 ohm inverse cm inverse। ठीक है, ये वैल्यू दिया गया। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग द सोल्यूशन इज 60 ohm। रेजिस्टेंस दिया है 60 ohm। आपको बताना वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है? देखो यार, कंडक्टिविटी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है। तो सिंपली आपको एक रिलेशन याद रखना है, कप्पा इक्वल टू जी सी होता है। जी कंडक्टेंस, सी सेल कांस्टेंट और कप्पा कंडक्टिविटी है। फर्दर जी इक्वल, सॉरी जी नहीं आएगा, कप्पा इक्वल टू जी, जी के जगह पे हम कंडक्टेंस को लिख सकते हैं एज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो 1/R * सेल कांस्टेंट। तो यहाँ से कप्पा का वैल्यू आपको पता है 0.0210, 1/R रेजिस्टेंस भी पता है सी, और सेल कांस्टेंट सी तो नहीं पता, वही तो आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली सी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 60 × 0.021। इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो ये 3 डिजिट और एक मल्टीप्लाई, तो ये आपका आंसर आ जाता है 1.26। और यूनिट जो है सेल कांस्टेंट का, यहाँ पे सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि हम कंडक्टिविटी को सेंटीमीटर में ही ले रहे हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आप देख सकते हो यहाँ से, ऑप्शन 3। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। होप कि यार ये सवाल आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।